आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। जैसे आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, यानी वर्ड बनाना होता है, पीडीएफ बनाना होता है, सीएचएम बनाना होता है, ईपब और एचटीएमएल, तो ये सब बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई एक डॉक्यूमेंट है, आप चाहते हैं कुछ इस तरीके से बनाए आप, और ये आपका वर्ड में भी बन जाए, एक साथ आपका एचटीएमएल में भी बन जाए, सब तरीके से बन जाए, और आपको केवल एक ही इंटरफेस से जाना पड़े और ये सारी चीजें अपने आप क्रिएट हो जाए। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है हेल्प एंड डॉक। हेल्प एंड डॉक सॉफ्टवेयर है, वो देखिएगा वो किस तरीके से काम करता है। यहां पर आप गूगल में हेल्प एंड डॉक ऐसे डाउनलोड लिखिए, हेल्प एंड डॉक, और फिर उसके बाद जो फर्स्ट लिंक आएगी उसको आप क्लिक करिए। इसका जो पर्सनल एडिशन है वो आपको फ्री है। अब मैं बताऊंगा इसकी कमियां क्या है और जो दूसरे हैं इसके वर्जन, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, डाउनलोड द फ्री वर्जन ऑफ हेल्प एंड डॉक टू इजीली क्रिएट द मोस्ट अमेजिंग बुक्स। आप बुक, हेल्प मैनुअल, डॉक्यूमेंटेशन, इन सारे फॉर्मेट में एक साथ बना सकते हैं, किंडल के लिए भी, क्यूटी हेल्प के लिए भी। किसी भी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं होता कि वह हेल्प ना हो। देखिए, जैसे इसमें ऑनलाइन हेल्प है, हर एक सॉफ्टवेयर में, चाहे वो आपका डेस्कटॉप सॉल्यूशन हो या वेब सॉल्यूशन हो, आपको उसमें आजकल ये देना ही पड़ेगा कि हेल्प हो, यानी कि वो एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है। उसको बनाने के लिए हेल्प एंड डॉक सॉफ्टवेयर है। तो आप क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड इसको किया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको डायरेक्ट वहीं से ले चलूं। तो ऐसे डाउनलोड आप जैसे करेंगे इसको, तो यहां डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा आपका। 18 MB का है, ज्यादा बड़ा नहीं है ये दिख रहा है, लेकिन जब ये आएगा तो 57.3 की जगह लेगा डिस्प्ले, तो 53 आपका एमबी का ये आ जाएगा। देखिए, ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, तो मैं यहां पर इसको कैंसिल कर देता हूं। 18 MB का ये EXES की इंस्टॉल होने के बाद 57.3 जो लेटेस्ट, जो अभी का वर्जन है लेटेस्ट, वो मैं आपको बता रहा हूं जब ये आप देखेंगे। अच्छा, अब हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूं। इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि बस डबल क्लिक करिए EXE पे, IBE सॉफ्टवेयर बनाया है ये, यस करिए। उसके बाद जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए वो आप चूज कर लीजिए, नेक्स्ट करिए, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट करिए। जहां भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं वहां कर लीजिए। अब देखिए, यहां पर ये कितनी जगह ले रहा है, 58.5 MB ले रहा है, और जब आप इसको राइट क्लिक करके डिस्क पे देखेंगे तो 57.3 आएगा। आप क्रिएट करना चाहते हैं इसको स्टार्ट मेन्यू फोल्डर में, ये सब आपकी मर्जी पर है। आप उसको डेस्कटॉप आइकन बनाना चाहते हैं, कहां करना चाहते हैं, ये सब आपकी मर्जी पे है। तो नेक्स्ट कीजिए इसको, नेक्स्ट करने के बाद ये आपका यहां इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखिए, इंस्टॉल होना शुरू हो गया, बहुत कम समय और बहुत होता है, और आप इसकी ब्यूटी देखेंगे, इसका स्ट्रेंथ देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। नेक्स्ट करेंगे लॉन्च हेल्प एंड डॉक, लॉन्च कर लीजिए इसको, और हमने इसको लॉन्च कर लिया। लॉन्च का मतलब ये है कि ये आपका हेल्प एंड डॉक, देखिए ये भी एक आइकन बन के आ गया। तो ये आपका हेल्प एंड डॉक पर्सनल एडिशन 3.8.0.560 आ गया। अब इसको शुरुआत कैसे करना है, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एक जगह से आप बहुत सारी चीज बना सकते हैं, तो क्यों बार बार हर चीज बनाते रहे। एक ही जगह आइए और सारे फॉर्मेट बना लीजिए, और कितना आसान है। नया प्रोजेक्ट बना दीजिए, जो भी इसका आपको टॉपिक रखना है, जैसे मैं कहता हूं कि माय प्रोजेक्ट या माय बुक कर लेता हूं, माय बुक कर लेता हूं। यहां पर देखिए, इंग्लिश के अलावा कितनी सारी लैंग्वेज है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आपकी लैंग्वेज, जो भी आप सुन रहे होंगे, अगर आप उसमें बनाना चाहते हैं तो आपको जरूर वो लैंग्वेज मिलेगी। तो हम स्टिक रहते हैं अपने अंग्रेजी से। ये देखिए, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, अपने आप टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स बना देता है। आप इंपोर्ट कर सकते हैं किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से भी, आपने कुछ बना रखा है ना, इंपोर्ट कर लीजिए और फिर कॉपी पेस्ट से काम चलाइए। लेकिन यहां पर ये बेसिक चीज आती है, जैसे मान लीजिए गेटिंग हेल्प सिस्टम रिक्वायरमेंट, और यहां पर मैं लिख देता हूं माय बुक स्पेशल। मैं इसलिए लिख रहा हूं, इसका मुझे कुछ करना नहीं है, लेकिन ये मैं इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूं कि जब आप ये डाल देंगे तो ये अपने आप यहां बनके आ जाएगा। अब आप एमटी प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप चाहते हैं ये सब ना हो तो एमटी प्रोजेक्ट क्रिएट करिए, लेकिन आप ये रखिए, क्योंकि ये बेसिक हर इसमें होता है, हर एक डॉक्यूमेंट में, जो भी आप हेल्प बनाना चाह रहे हैं या कोई भी आप बुक बनाना चाह रहे हैं, तो यहां पर आप कर लीजिए। देखिए साहब, जैसे आपने बनाया, ये सारी चीज आ गई यहां पर। अब आप चाहते हैं कि इसको चेंज करें तो आप यहां पर चेंज भी कर सकते हैं चीजों को। और अब चाहते हैं कि माई बुक है, मैंने यहां पर प्रोजेक्ट का नाम ठीक से नहीं दे पाया, तो मैं अब यहां पर माई बुक पे क्लिक करूंगा, तो यहां पर माई बुक ऑथर
जैसे मैं लिख देता हूं, ये आपका हो गया कॉपीराइट। आप यहां पर डेट दे सकते हैं, जैसे आज की डेट डाल दीजिए कोई भी, ऑथर्स ये कर देता हूं। तो ये हर एक उसके नीचे, डॉक के नीचे ये सब चीजें आ जाएंगी, ये अपने आप इसको इंसर्ट कर देगा। देखिए कितना फायदा है आपको, कुछ कमेंट डालना है, समरी डालना है, जो भी आप डालना चाहे आपकी मर्जी से, जितना आप इसको पॉपुलेट करना चाहे, भरना चाहे, वो आपके ऊपर है। इस तरीके से आपके पास डिफॉल्ट टॉपिक है, आप वर्जन भी डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूं ये वाला 0.8.0, कोई भी वर्जन हम डाल देते हैं इसमें। उसके बाद ये जनरल सेटिंग है, ये जनरल सेटिंग हमारी हो चुकी, और उसके बाद यहां पर आइए और कंट्रोल एस दबाएंगे तो भी सेव हो जाएगा। यहां पर आके आप सेव करेंगे, देखिए हेल्प एंड डॉग ट्यूटोरियल है, मैं इसको माय बुक के नाम से रख देता हूं। तो ये सेव हो गया माय बुक के नाम से, देखिए माय बुक डॉट एच एन डी, इसका जो एक्सटेंशन आएगा वो एच एन डी आएगा। अब यहां पर अलग अलग चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, वेलकम, व्हाट्स न्यू, है ना, इसमें आप थोड़ा सा भरते हैं इंट्रोडक्शन। चलिए कोई ऐसी बुक उठा लेते हैं जिससे हम चीजें भर सके, ये एक बुक ले लेते हैं और यहां से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं, ये आ गया। अब इसके साथ आप वो ही काम कर सकते हैं जो वर्ड के साथ कर सकते हैं। देखिए वर्ड की सारी पॉसिबिलिटी आ गई आपकी, आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इसका साइज बढ़ा सकते हैं, देखिए सब कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं इसको। तो एक और अगर आप चाहते हैं ऑप्शंस में, तो रूलर भी आ जाएगा, आप यहाँ शो रूलर कर लीजिए, ये ऊपर रूलर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वेलकम के अंदर ये डाल दीजिए, वेलकम के अंदर, ये केवल एक एग्जाम्पल के पर्पज से ले रहा हूं, मैं कहीं से भी कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके से इसमें आता है। अब चलिए इंट्रोडक्शन है, अब मैं चाहता हूं कि कुछ इसमें टेबल भी डाल दूं, कुछ इसमें इमेज भी डाल दूं, तो क्यों ना हम इमेज डालें। तो मैं आपको तरीका बताता हूं, इसमें इंसर्ट करिए, इंसर्ट पिक्चर, अगर आपके पास पिक्चर नहीं है, आपने कभी पहले नहीं की है, तो इंसर्ट पिक्चर जाइए, आप इंक्लूडेड फाइल इन द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर वो फाइल इंक्लूडेड है या फिर वो इमेज इंक्लूडेड है, तो यहां से ले लीजिए, नहीं तो आपको कहीं से भी आप जाके ले सकते हैं, जहां भी आप अपना पाथ देना चाहते हैं। पिक्चर्स में कोई भी ले लीजिए, ये ले लेते हैं, जो भी मेरे पास है उसको मैंने डाल दिया। अब देखिए यहां पर ये इमेज आ गई, अब इस इमेज के साथ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको, और ये इसके नीचे आप इमेज का नाम वगैरह ये सब लिख सकते हैं, इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं। देखिए सब पॉसिबिलिटी आपके पास है, मतलब जो वर्ड की चीजें हैं वो आपको आराम से मिल जाएगी यहाँ पर। अब थोड़ा सा इसको सेंट्रली अलाइन कर ले, बीच में आ जाता है। इसी तरीके से आप टेबल डाल सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, इन सबको ट्राई करिए, आप देखिएगा इतनी बेहतरीन चीज आ जाएगी। बल्कि आप साइंटिफिक चीज डालनी है तो आप सिंबल्स भी डाल सकते हैं, तो ये सारी चीज इसमें आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ कि इसमें गेटिंग स्टार्टेड में भी इसको प्रिंट पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जब ये डॉक्यूमेंट बन के आए तो आपको दिखाई दे क्या आ रहा है। अच्छा, एक चीज है इसमें कि ये सब हो गया, एक दो जगह और दे देते हैं, कुछ और कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए, कोई चीज खाली ना आए। यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको, ये सारी जो इसकी खूबसूरती है ये आपके ऊपर है, आप जितना अच्छा इसको कर पाएंगे उतना अच्छा रहेगा इसको। देखिए यहां पर मैंने डाल दिया गेटिंग हेल्प, यहां पर भी कुछ डाल देते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर रहा हूं मैं। अब देखिए ये आपका तैयार हो गया, आप कहीं भी जाके इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, इसका साइज, इसका कलर, जो भी आप चाहते हैं ये पॉसिबिलिटी आपके पास है। और ये देखिए आप इसके पीछे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, कलर इसके इक्वली अलाइन कर दीजिए, इसको बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए, ये है नीला चाहते हैं नीला कर लीजिए इसको। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है आपकी। अब ये हो गया, अब जब आप ये करेंगे तो यहाँ पर हेडिंग वन, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री जैसे वर्ड में करते हैं वैसे कर दीजिए, ठीक। अगर वर्ड का थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो वो सारी पॉसिबिलिटी आप इसमें कर सकते हैं। चलिए ये हो गया, अब आगे देखिए क्या करना है। इसके बाद जब ये चीज तैयार हो गई आपकी, अब इसमें बहुत सारे कॉन्टेंट डालेंगे, जैसे मान लीजिए मैं एक नया टॉपिक डालना चाहता हूं, तो आई कैन एड ए टॉपिक, आई कैन एड ए टॉपिक, यहां पर नया टॉपिक, माय न्यू टॉपिक, यानी कि आप पूरा एक बुक बना रहे हैं, एक बुक बना रहे हैं। अब जब ये सब हो जाए, ये सब आप कर ले, तो आप देखिएगा आप यहां पर फाइल पे जाइए और इसको सेव कर लीजिए, और होम पे जाके इसका जनरेट हेल्प, केवल एक लाइन से
देखिएगा जनरेट हेल्प में क्या क्या आता है। या आपका सीएचएम आप जानते हैं कि सीएचएम ऑनलाइन हेल्प जो होती है आपके सॉफ्टवेयर में वो सीएचएम फॉर्मेट में बनती है। इसी तरीके से एचटीएमएल, वर्ड, पीडीएफ, ईपब, ईपब जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन है। आप किंडल के लिए ईबुक बना सकते हैं। इसके अलावा ये सब तो छोड़िए, इसके अलावा कोड जनरेशन कर सकते हैं। जो सॉफ्टवेयर वाले देख रहे होंगे वो देखिए ये सब सारी चीजें कर सकते हैं। तो इतना इतना स्ट्रांग सॉफ्टवेयर है ये। अब यहां पर मैं क्या करता हूं कि सारे के सारे को जनरेट कर देता हूं। तो बस यहां पर जनरेट हेल्प क्लिक करेंगे, यहां पर ये पूछेगा आप किस किस को करना चाहते हैं। जिसको नहीं करना चाहते उसको छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपको सीएचएम चाहिए ही नहीं, मान लीजिए आपको ईपब चाहिए ही नहीं, तो उसको आप अनक्लिक कर दीजिए। उसके बाद जनरेट करेंगे तो ये जनरेट करता चला जाएगा। देखिए एक एक करके और सारे जो भी आपने फॉर्मेट बोले, देखिए इसने ये सीएचएम कर दिया, एचटीएमएल कर दिया, डॉक कर दिया, पीडीएफ कर दिया, ईपब हो गया, तो ये सारे आ गए। अब इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो अपने आप सीएचएम खुल जाएगा। ये देखिए अभी अभी हमने जो बनाया है वो ये सीएचएम खुल गया। ये आपने इमेज आपको याद होगा हमने डाला, देखिए कितना खूबसूरत बन गया ये। तो आपने अपनी एक बुक लिख दी और अलग अलग फॉर्मेट में, जिसको जिस फॉर्मेट में चाहिए उसको उस फॉर्मेट में दे दीजिए आप। हमें देखा कितना स्ट्रेंथ है सॉफ्टवेयर का। हाँ, क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है इसलिए ये लाइन जरूर आएगी आपके इसमें। मैं इसको वर्ड भी खोल के दिखा देता हूं आपको। अगर आपको ये सारी एक साथ देखनी है ना तो आप यहां से इसको क्या करें कि ये जो यहां पर किसी एक्सप्लोरर में जाइए और इसको पेस्ट कर दीजिए, ये हटा दीजिए क्योंकि सारा का सारा आउटपुट में आ रहा है। बस आउटपुट तक लाके इसको रख दीजिए। ये सारा का सारा आपको दिखा दे किस किस फॉर्मेट में। जैसे मैं वर्ड डॉक्यूमेंट बोलता हूं तो आप देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने माई बुक बनाई है, व्यू और यहां पर मल्टीपल पेजेस। आप देखें सारा का सारा आ गया जिस तरीके से आपने बनाया था। ठीक, देखिए कितना सुंदर बन गया। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। देखिए सब कुछ अच्छे से आ गया, एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जो आखिरी में ये लिख देते हैं कि ये क्रिएटेड बाय, तो फुल ये क्रिएटेड विद द पर्सनल एडिशन ऑफ हेल्प डॉक। तो आप क्या करिए, इस बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको डिलीट कर दीजिए। आपका डॉक्यूमेंट तैयार, इसको डिलीट कर दीजिए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने आपको बताया ये सीएचएम माई बुक बन चुकी है, इसमें ये आप देख रहे हैं अरे मैं चाहता हूं कि ये ना आए, मैं तो खरीद नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा। आप देखिए ये जो हमने यहां पर डाला था सेटिंग्स में ये भी आ गया। तो इसका भी एक तरीका बता देता हूं आपको। इसका तरीका बहुत ही आसान है, इसको क्लोज कर दीजिए। आप क्या करें, जैसे वेलकम लिखा हुआ है तो इसके बाद एंटर दे दीजिए। कहां तक एंटर दे दीजिए, इस पेज के बाहर तक। ठीक, एंटर दे दीजिए यहां पर। अब आप इंट्रोडक्शन में जाइए, ये हैप्पी बर्थडे सर के बाद यहां पर एंटर दे दीजिए। काफी सारे एंटर दे देंगे तो आप देखिएगा कि जब मैं अब इसको जनरेट करूंगा हेल्प को, अब मैं इसमें क्या करता हूं केवल आपको एचटीएमएल दिखा देता हूं, एचटीएमएल और सीएचएम जनरेट कर दिया। और इतना फास्ट करता है ये, इसकी स्पीड अगर आप देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। तो ये mybook.html किया मैंने, अब देखिए कितना अच्छे फॉर्मेट में आ गया, कितना सुंदर आ गया। अब आपको ये जो पहले दो पेजेस में दिख रहा है कहीं पे माय फ्री एचएम, यहां पर इंट्रोडक्शन में क्योंकि मैंने एंटर किया हुआ है तो ये बहुत नीचे आ गया, तो इतना कोई देखता भी नहीं। अगर आप वाकई में आपके पास थोड़ी सी तंगी है तो आप ये यूज कर सकते हैं, वरना आप बहुत सस्ता है इसको खरीद ले और बेहतरीन काम करता है। अगर दो तीन एंटर और मारेंगे तो और नीचे चला जाएगा। तो ये तरीका था आपके एक बुक बनाने का, एक एक सिंगल पॉइंट जहां से आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट जनरेट कर सकते हैं। होपफुली आपको फायदा हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।